हस्तपा 10 से 12 मई तक शिमला में 11वीं एमटीबी साइकिल रेस का आयोजन कर रहा है। 3 दिन 2 स्टेज और 6 कैटेगरी में रेस आयोजित होगी। 10 मई को शिमला के रिज मैदान से रेस की शुरुआत होगी और 20 किलोमीटर का पहला दिन हेरिटेज राइड की जाएगी। रेस सिपुर, मशोबरा, कैचमेंट एरिया और पोर्टर हिल की सर्पीली और उबड़ खाबड़ रास्ते से रेस गुजरेगी, जो काफी रोमांचक सफर रहने वाला है। बहुत खुशी है, आज दो जो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, फायरफॉक्स जो साइकिल में प्रीमियम बाइक्स में सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का, और पुलुतरा जो सबसे बड़ा ब्रांड है आउटडोर्स का इंडिया में, वो दोनों आज एमटीबी शिमला के स्टेज पर हम सबको इनवाइट करने के लिए आते हैं। तो ये जर्नी 2004 में हमने शुरू करी थी, तब हार्डली हमें कोई माउंटेन बाइकर्स इंडिया में मिलते थे, लेकिन आज 140 माउंटेन बाइकर्स, 45 सिटीज और टाउन्स, 20 स्टेट्स और 5 कंट्रीज से हमारे एक छोटे इवेंट के लिए, 3 दिन का जो हमारा ये छोटा इवेंट है, इसके लिए आए हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे स्पोर्ट में पिछले 20 साल में ग्रो करा है, और जैसे श्रीराम जी ने कहा कि आने वाला समय ये आउटडोर एक्टिविटीज का, फिजिकल फिटनेस का और साइकिलिंग का है, तो मेरा पूरा मानना है कि आने वाले समय में हम 140 तक सीमित नहीं रहेंगे। हम जैसे वर्ल्ड में इवेंट्स होते हैं जिनमें 500 to 1000 माउंटेन बाइकर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वैसा एक इवेंट क्रिएट करेंगे दोनों वर्ल्ड सब मिलकर। तो इस विजन के साथ हम यहाँ पर आए हैं, बहुत उम्मीद है कि ये पार्टनरशिप आगे और ग्रो करेगी। गुल प्रनाग की कंपनी, जैसे आपने आशीष से सुना कि वो भी एक साइकिलिंग एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करती है, तो हम तीनों की पार्टनरशिप आने वाले समय में काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव साइकिलिंग पर लेगी। और इसी के साथ बाकी तो इवेंट के बारे में आपको आशीष ने सब बता दिया है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के साथ भी काम कर रहे हैं, जो ये ट्रेल्स आपको कैचमेंट के दिखाए गए आज, ऐसे ट्रेल्स जो ब्रिटिश ब्रिडल पार्क यहाँ पर और भी हैं हिमाचल में, उनको वर्ल्ड क्लास साइकिलिंग ट्रेल्स बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट उसका ट्रांच है 180 किलोमीटर का, उसका अप्रूवल आने वाला है, वो एडीपी के सहयोग से हम उसको डेवलप करेंगे, और ये हिमाचल को वर्ल्ड क्लास ऑफ माउंटेन बाइकिंग पर लेकर जाएंगे। ये जो ट्रेल्स होंगे ट्रूली वर्ल्ड क्लास होंगे और हिमाचल को पूरे वर्ल्ड मैप ऑफ माउंटेन बाइकिंग पर लेकर जाएंगे। इसी के साथ जो रिलेटेड साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट होगा, तो कोई भी जैसे टूरिस्ट है वो ट्रेल्स का मजा ले सकता है, आप अपनी बाइक उठाकर नेक्स्ट से भी आ सकते हैं, उन ट्रेल्स का मजा ले सकते हैं। और हमारा पूरा मानना है कि एक बार जब वो ट्रेल्स बन जाएंगे तो विश्व के मानचित्र पर हिमाचल की एक अलग पहचान बनेगी टूरिज्म डेस्टिनेशन से, और जो हमारा यहाँ टैलेंट है उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वर्ल्ड क्लास, जहाँ पर वो प्रैक्टिस करके अपनी जो में स्ट्रेंथ है, जो फिजिकल फिटनेस है, उसका एक प्रदर्शन वो वर्ल्ड के सामने कर पाएंगे। और पूरा हमारा विश्वास है, जैसे हमने ये यंगस्टर्स को देखा परफॉर्म करते हुए, कि ये दिन दूर नहीं है, और जब हम ऐसे ही हार्डवर्क करते रहे तो अगले 10 साल में हम एक विश्व लेवल का चैंपियन हिमाचल से क्रिएट करेंगे। तो इसी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। पूरा थैंक यू है, पूरा जितना हमारा टीम है वो काफी हार्ड वर्क करता है ये इवेंट्स को करने के लिए, तो इन सबका भी बहुत थैंक यू है, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर एंड फॉर मेकिंग दिस हैपन। सो इवेंट के बारे में तो आपको आशीष ने बता दिया था, कि आपके वो क्वेश्चंस हो इवेंट के रिलेटेड तो भी। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।